ये देखिए रास्ता ना बड़ा खतरनाक है। कनी तू मजा आ रहा ट्रैक करने में? हाँ हड्डी पतली होगी हैं, हड्डी पतली एक तो भाई दीदी तो साड़ी में ट्रैक कर ले रही है और क्या चाहिए ऐसे देखो ये अगर चिंग मार दिया हाँ हाँ गुनान भी बहुत करती है बकरी और पीछे पड़ जाती है, पीछे पड़ जाती है तेरे पीछे जैसे जाएगी ठीक है। तो पहले हम लोग गए थे मंदिर दुनागिरी, अभी हम वहाँ से उतरे हैं और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एप्पल गार्डन वगैरह देखने के लिए और साथ में कुकुरचिना। वैसे कुकुरचिना का पहला नाम कौरवचिना था, कौरवचिना वहाँ कौरव लोग आए थे ना तो इनको ढूंढने के लिए, पांडवों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए क्योंकि पांडव लोग पांडुगोली में रहते थे तो उसे कौरवचिना भी कहा जाता था उस टाइम पे, तो बाद में उसका नाम कुकुरचिना हो गया। यहाँ वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए कितना मज़ेदार रास्ता है पूरा यहाँ का। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, सगपुरी पांडगोली दूरी 3 किलोमीटर, तो यहाँ से पांडगोली की दूरी है 3 किलोमीटर। एक्चुअली हम लोग आए थे सिर्फ यहाँ पर चाय पीने के लिए, ये भाई चाय अच्छी बनाता है, पांडगोली जाने का भी विचार नहीं। पांडगोली अगर आपको देखना होगा तो उसका ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो ऐसे आप आ सकते हैं। एक यहाँ पर गुफा भी है, पांडगोली का रास्ता ऊपर चला गया। अगर आपको गुफा घूमना है जहाँ पर महातार बाबा जी स्वर्ग आश्रम के मतलब सोने के आश्रम के दर्शन कराए थे तो वो सामने है गुफा उधर। देखिए अब यहाँ पे धीरे धीरे कॉमर्शलिज्म स्टार्ट हो गया है, चारों ओर क्या है रिजॉर्ट बनने लग गए। देखो एक रिजॉर्ट वो उधर बन रहा है, इधर सामने जोशी जी के कॉटेज भी हैं, आप यहाँ आके भी रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे पूरा ये विलेज देखो, जहाँ मतलब आपको बहुत सारी गडेरी अडेरी पिनालू विनालू ऐसे करके मिलेंगे। तो दर्शन भाई उसको शर्म आती है ना, तो ये यहाँ पर हम लोग आए हैं चाय पीने के दर्शन भाई की दुकान में। तो ये यहाँ पर जो चूल्हा है ना, इस चूल्हे की आग में जो चाय का टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये पुराने ज़माने का चूल्हा है एकदम से। तो आप देख सकते हो ये बहुत पुराना चूल्हा है और यहाँ पर लकड़ियों के द्वारा मतलब चाय बनाई जाती है, तो स्वादिष्ट काफ़ी है और कभी कभी दाल चावल भी खाने में काफ़ी मज़ा आता है इसमें। तो दर्शन भाई थोड़े हमारे शर्मिले स्वभाव के हैं और कैमरे के आगे आके मुँह फरका देते हैं अपना, मुंह फरकाना मतलब मुंह फेर लेना, पहाड़ी में मतलब मुंह फरका लेना ना मुंह फेर लेना। तो हम लोग वापस एक और एक ट्रक में आए हैं जो गुफा आश्रम की मैं पिछले वाले ब्लॉग में बात कर रहा था आपसे, माँ दुनागिरी वाले में, जो मतलब यह है अलमर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड द्वार से कुकुरचिना से करीब 5 किलोमीटर अंदर ऐसी कचियाई रोड, उसका रास्ता आप देख लो। और यहाँ पर क्या है कि थोड़ी ये ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा गाड़ी लाना, क्योंकि यहाँ का जो है रोड ऑफ रोड है। तो ये मतलब आपको गाड़ी यहाँ बुक करके लानी पड़ेगी, कोई भी शेयरिंग बेस पे गाड़ी यहाँ पे नहीं आएगी। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी गोपाश्रम। सो गाइस दिस इज आदि वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो ये आश्चर्य अच्छा लगा? ये आश्चर्य बहुत सरप्राइज है हमारे लिए। एक्चुअली क्या था कि हम लोग की गाड़ी वहाँ तक हम लोग आए थे घूमने के लिए, इन लोग को गाड़ी की आवश्यकता थी क्योंकि ये लोग जा रहे थे वहाँ घूमने के लिए, तो थोड़ा हमने किया कॉम्प्रोमाइज़, हमने कहा चलो हम आधे घंटे अपने ऐसा कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तो हमने कहा चलो इसी, हमने जब गाड़ी बुक की हुई है तो हम भी उसमें हो लेते हैं। क्यों कहाँ बस इन दो बहनों को फूलों के अलावा कोई नज़र नहीं, कुछ नज़र नहीं आता, इनको हम ट्रैक करवा रहे हैं लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर है बाबा जी की केव का रास्ता, ये रास्ता जाएगा पूरे गांव से और गांव का मतलब माहौल कितना प्यारा है। देखो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी है, अगर आप आ सकते हैं तो इस दुकान से भी सामान ले सकते हैं, चाय वगैरह मिल जाएगी आपको। तो देखो ये गुलाब का फूल कितना प्यारा लगा है, जिसके लिए निहारी का लोग तारीफ़ कर रहे थे अभी तक, ये बेल वाला गुलाब।
तो देखो छोटी सी बच्ची है, देखो अभी अभी ब्याह भी है क्या गाय? अच्छा नामकरण कुछ है एक नियर है एक गाय ऊपर है वो और ऊपर देखो बुरास का फूल था अभी तक, मेरे ख्याल से कल परसों तो बुरास खिला था, अभी अभी सूखा हुआ ऐसा लग रहा है। मज़ा आ रहा है लेकिन कुल मिला के ये रास्ता है केप का, वो सामने टॉप में वो उधर रिजॉर्ट देखो आप, ऐसे मतलब बहुत सारे रिजॉर्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो है प्लम का पेड़ पूरा, ये बच्चा बोल रही है मैं हमें अच्छा कहाँ ले जाला घर आपको अब तुम ही हो बोट बोटो मट्टी काट रखे हो? अच्छा भीमा बोट तो मस्त ठुल छू पर नई परसेंट बैटरी बची है दादा, दूसरी वाली बैटरी में लाया नहीं हूँ इसकी, प्राइवेट प्रॉपर्टी योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नीचे पूरा जो मैंने खरीदा हुआ है उन्होंने खुद खरीदा हुआ है। ये देखिए रास्ता ना बड़ा खतरनाक है, कहीं तू मजा आ रहा ट्रैक करने में? हाँ हड्डी पतली होगी हड्डी पतली एक तुम्हारी दीदी तो साड़ी में ट्रक कर ले रही है और क्या चाहिए ऐसे। हाँ सबसे बड़ा खतरनाक खतरनाक ब्लॉक साड़ी में महिला ट्रक करते हैं, वो भी स्लीपर में, पूरी दुनिया को ज्ञान कह रहे थे ट्रैक कैसे कर पाएंगे। हाउ टू डू ट्रैकिंग इन हिल्स एंड साड़ी हाँ निहारी का बताओ जरा, साड़ी पहन के कैसे ट्रैक किया रास्ता है पहाड़ों में लोगों को बताओ। साड़ी पहनना ज़्यादा और आसान है ना? आसान नहीं है, ये है कि पकड़ना पकड़ना पड़ जाता है ये, लेकिन चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो काफल, ये भाई ने तोड़ने स्टार्ट किए काफल खाने, पके हुए हम खाएंगे यहाँ पे, पके हुए खाएंगे, बाकी तो कच्चे ही हैं, पके हुए तुमने निकाल लिए, अभी आगे आके और मिलेंगे मेरे ख्याल से। इसका क्या जो टाइमिंग है वो है आपके समर में मतलब ग्रीष्म ऋतु में 1 मार्च से 30 सितंबर तक ये 9 AM से 4 PM तक खुली रहती है, और विंटर में ये 10 AM से 3:30 तक, तो यानी सुबह का 1 घंटा कट जाएगा। तो ये योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की है बाबा जी के, तो फिर हम लोग उधर ही जा रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि भैया 1.5 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग को लगता है कि हम ज़्यादा चल गए ना, ये एक्चुअली क्या है ना पहाड़ों में माइल्स में गिनते हैं, 1 माइल्स होता है 1.6 किलोमीटर का, तो ये लोग बोलते हैं 1.5 मील के आते हैं, मतलब कि उतना बढ़ा लो तो करीब 2 ही किलोमीटर बैठता होगा ट्रैक, क्योंकि हम लोग को टाइम तो हो ही गया करीब 1 घंटा, 1 किलोमीटर तो आदमी आराम से 15-20 मिनट में चल जाता है। बोल तो रहते कि 2 किलोमीटर, लेकिन जो है ना ट्राई आप देख सकते हो जो रास्ता है, ये लोग सब लोग आ रहे नीचे से ऐसे, वो ट्रेल ऐसी बनी हुई है यूँ करके गोल गोल घूमते हुए, ये ट्रेल ऐसे आई है। ये मास्क किसका गिर गया बकरी चला रही है तो अम्मा तुम्हारे गाँव तली छू कतु कतु दूर छू यहाँ बेटे गो? अच्छा रो रत्ते में अच्छा यहाँ हूँ और ब्याह नहीं जाता तली हुए हैं। अच्छा दोपहर में भात खाऊँ? अच्छा हम यहाँ डेयरी बैठी होनी हूँ। देखो ये अगर हाँ हाँ गुनान भी बहुत करती है बकरी, और पीछे पड़ जाती है, पीछे पड़ जाती है तेरे पीछे जैसे जाएगी, ठीक है नज़ारा देखो ना और ज़बरदस्त है। नीचे रखाल गांव में वो उधर दुनागरी माँ का टेंपल है, उधर से हम लोग आए थे पहले चलते चलते, ये पूरा है दुनागरी के छोटे छोटे गांव। हाँ निहारिका बोल रही है कि हम लोग कहाँ चले गए, कहाँ आ गए हम लोग? आसमान में आ गए, बाकी आसमान वाली फीलिंग आ रही है देखो ना। हाँ ये हम लोग केव में पहुँच ही गए, ऊपर दिखाई दे रही है भैया, मुझे तो होगी कि कब आए कब आएगी कब आएगी, निहारिका की हालत थोड़ी ख़राब है,
निहारिका विदा। हेलो गाइज बोलते बोलते खुद गाय बन गई है, चारों हाथ पाँव चलते हुए आ रही है देखो। तो हम लोग पहुँच गए हैं केव में, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है केव, यहाँ पे रहना है बिल्कुल चुप और प्लास्टिक का यूज बिल्कुल नहीं करना। माहौतार बाबा की गुफा है फिर पीछे जो है ना वो केव नहीं है। निहारिका बड़ी खुश हो गई थी, केव आगे केव आ गई, लेकिन केव अभी और ऊपर जाना है। हम भी खुश होते हैं तो यहाँ आके पानी वानी पी लिया, उसके अंदर योगा अभ्यास कर सकते हो आप बहुत देर तक बैठ के, बहुत साइलेंस है अंदर। उसके माहौतार बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, अभी केव और ऊपर है। बेकार हम लोग केव में पहुँच गए, यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, सामने केव है। तो हम लोग बैठे हैं अभी बाबा जी की गुफा के अंदर, देख लो ना आप कैसी लगी गुफा, बहुत अच्छी। तो ये गुफा है, इस गुफा के अंदर आके आप कर सकते हैं योग साधन। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक था, निहारिका कैसा ट्रैक था? लास्ट में तो बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई, मजा हालत खराब होगी लास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, ऐसे ही चमत्कारी जगहों में आपको घुमाते रहूँगा। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।